हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग की यूनिट 4 का टॉपिक इनडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा था, जो आज फिनिश हो जाएगा। तो आइए उसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, अभी तक हम लोग के क्वेश्चन नंबर 52 तक हो चुके हैं, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। उससे पहले आप लोग चैनल को, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारे इंटीग्रेशन करना है और हमारा क्वेश्चन का जो टाइप है वो ये है, इंटीग्रेशन का साइन 1/a + b sin²x dx या फिर 1/a + b cos²x, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 1/1 + 3 sin²x। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो आपने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²x। तो ये 1 है, 1/cos²x हो जाएगा sec²x, यहाँ पे भी sec²x, और sin²x/cos²x हो जाएगा tan²x। sec²x होता है 1 + tan²x, ये दोनों ऐड होके आ जाएगा 4 tan²x, ऊपर sec²x लिखा ही हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन ले लिया तो tan²x आ गया, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a² + x² 1/x² + a² का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan−1 x/a। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने tan x को t ले लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो sec²dx = dt आ जाएगा। तो sec²dx की जगह dt पुट कर दिया, tan की जगह t पुट कर दिया, तो t² + a² आ गया। तो 1/a क्या है, 1/2 tan−1 t/1/2। फिर आपने t की वैल्यू पुट कर दी tan x, और ये जो 2 था 1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 tan x यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 53। अब हम लोग इस टॉपिक का, इनडेफिनिट इंटीग्रल का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लग रहा है कुछ कुछ। हमने क्या किया कि ये 5 + 4 cos x था, ठीक है। तो हमने देखा कि cos x का फॉर्मूला अगर हम ये वाला लगा दें, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos²x − sin²x। तो अगर हम एंगल हाफ कर देंगे यहाँ पे cos x कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, cos²x/2 − sin²x/2। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी cos x की जगह। अब हमने देखा ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो 5 बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचा 1 की जगह पे sin²x + cos²x = 1 होता है, तो sin²x/2 + cos²x/2 भी 1 होगा, तो उसकी जगह पे हमने ये रख दिया। अब 5 sin²x/2 + 4 cos x − 4 sin²x/2, तो बचेगा केवल sin²x/2। यहाँ पे 5 cos²x/2, यहाँ 4 cos²x/2, 9 cos²x/2। अब हमने सेम चीज करी, इस पूरे को हमने क्या किया, cos²x/2 से डिवाइड कर दिया। ऊपर भी, ऊपर 1/cos²x/2, तो sec²x/2, नीचे 9 और tan²x/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, tan²x/2 को t ले लिया, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 sec²x/2 dx = dt, sec²x/2 dx = 2 dt, ये 2 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 को बाहर निकाल लिया, 2 dt, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, tan²x/2 को लिख दिया t का स्क्वायर यहां से। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/∫1/a x² + a² का, 1/a tan−1 x/a, तो 1/a tan−1 x/a। अब t की वैल्यू पुट कर दी tan²x/2, और ये हमारा आंसर आ गया। आज आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल का टॉपिक फिनिश हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।